चार पॉइंट पे, पूरी चार पॉइंट पे करती है और इसका फ्लो देख लीजिए। ये जो है हमारे मास्क की जो है ये तनी जो है ये भी नहीं हिल पा रही है भाई साहब। तो दोस्तों प्रॉब्लम आपको दिखा दी है, गाड़ी का जो एसी है आवाज आपको आ रही होगी बिल्कुल भैं भैं करने की, और लेकिन जो है कूलिंग हवा बिल्कुल नहीं दे रहा है, एयर प्रेशर बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो अभी मैं मवाना में हूँ, मेरे एक जानकार है, दोस्त है जो इलेक्ट्रीशियन है यूनुस भाई, ऐसी ही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ एक बार मारुति जैन कार थी मेरे पास, उसमें उस गाड़ी में भी आई थी, और देखते हैं क्या यूनुस भाई इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये देखो जो हमारे यूनुस भाई हैं ये अपना लगे हुए हैं अभी ट्रैक्टर के ऊपर। क्या सुधार रहे हो आज? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यूनुस भाई अभी अपना ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, अभी आते हैं गाड़ी के अंदर। मैं गाड़ी को बंद नहीं करने वाला, तब तक स्टार्ट ही रखूंगा। आपको एक बार फिर से मैं अगर दिखा देता हूँ इसका फ्लो कितना अच्छा आ रहा है, तो ये देख लीजिए। चार पॉइंट पे, पूरी चार पॉइंट पे करती है और इसका फ्लो देख लीजिए। ये जो है हमारे मास्क की जो है ये तनी जो है ये भी नहीं हिल पा रही है भाई साहब, बिल्कुल हवा गुम हो गई है इसके अंदर से। ये देख रहे हैं आप, शोर पूरा मचा रहा है हमारा जो एसी का ब्लोअर है, पूरा शोर मचा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये एसी जो है, एसी की जो हवा है हमारी, ये हमारे जो मास्क की पट्टी है ये कितनी हल्की पट्टी होती है, ये भी तरीके से इसके सामने हिल नहीं पा रही है भाई साहब। ये देख लो, अभी देखते हैं बाद में, वरना एसी क्या करता है, वरना एसी का ब्लोअर जब हम फोर नंबर पे रखते हैं तो लोगों के बाल तक हिलते हैं, और यहाँ तक तो मेरे को बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है। तो यूनुस भाई को आने देते हैं, उनको दिखाते हैं कि भाई प्रॉब्लम हो क्या रही है एक्चुअल में। तो हमारे यूनुस भाई आगे हैं, ट्रैक्टर सुधार दिया यूनुस भाई? हाँ जी सुधार दिया भाई साहब। अच्छा ये आपको याद है एक बार जैन में दिक्कत हुई थी हमारे साथ? जी सर हुई थी। अब देख लो एसी का जो ब्लोअर है चार नंबर पे चल रहा है, मेरे को तो वही वाली दिक्कत लग रही है। अभी देखते हैं सर, चार नंबर पे चल रहा है। अच्छा एक बार हमारे दोस्तों को, सब्सक्राइबर को बता सकते हो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती क्या है? जो मेरे को लग रहा है वही है, आपको भी वही लग रही है ना? जी, इसका जो है थर्मोस्टेट स्विच होता है इसमें, हाँ, एसी कूलिंग कोयल पे लगा हुआ। जो डैशबोर्ड के अंदर कूलिंग कोयल होती है तो उस पे एक थर्मोस्टेट मतलब जिसमें पारा होता है, पारा होता है। मतलब ऐसा है दोस्तों, जो मेरी समझ में पिछली बार भी आया था, यूनुस भाई से बताना चाह रहा था, थर्मोस्टेट का जो काम होता है वो कूलिंग कोयल में मतलब उसमें बर्फ नहीं जमने देता। अब इसमें क्या हो रहा है, वो जो थर्मोस्टेट है वो शायद कट नहीं लग रहा है, एसी के अंदर कट नहीं लग रहा है, तो कूलिंग ऑयल पे जम गई है बर्फ और एयर प्रेशर हमारा हो गया कम। अगर आपके साथ रास्ते में ऐसा, अगर किसी दोस्त के साथ ऐसा हो जाता है कि हवा देनी कम कर दी, तो क्या कर देना चाहिए? अभी यूनुस भाई ने क्या किया है? अभी मैंने इसका एसी का बटन ऑफ किया है। एसी का बटन ऑफ कर दिया तो ये हवा आने लगी, मतलब दो मिनट चार मिनट के लिए अगर आप एसी का जो स्विच है उसको बंद कर देंगे और ब्लोवर चलने देंगे फुल स्पीड पे, तो उसकी हवा बढ़ जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको मास्क दिखाया था, अभी देखिए एसी का स्विच जो है वो बंद करते ही हवा का प्रेशर देखिए कितना बढ़ गया है, और इसका परमानेंट इलाज करना है यूनुस भाई। ठीक है सर, परमानेंट ही हो जाएगा। हाँ, जितना भी टाइम लगेगा, लोगों को अच्छे से जानकारी मिलेगी इस चीज की, और वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज सेट करनी होती है, बहुत छोटी सी चीज है। अभी देखिए प्रेशर धीरे धीरे पूरा बढ़ता जा रहा है, या तो मैं यहाँ पे भी कर रहा था तो भी नहीं उड़ पा रहा था ये। वाओ, चलिए तो यूनुस भाई करते हैं अपनी कार्रवाई शुरू। है ठीक है, पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा है? चलो खोल लो भाई। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये वाली चीज है, ये होता है थर्मोस्टेट, और ये भाई कहाँ से निकल रहा है ये मेरे को अभी पता नहीं चल रहा कहाँ से निकल रहा है, लेकिन इसी में सारा जुगाड़ होता है इसका। जो मेन चीज़ है वो ये लगी होती है उस थर्मोस्टेट के अंदर, और इसके अंदर अगर मैं फोकस करूँगा तो यहाँ पे आपको ध्यान से दिखाई देगा, तो ये जो बीच में जो पॉइंट सा है इसके अंदर पारा भरा होता है, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एसी को एक मैसेज देता है कि हाँ भाई एसी की कूलिंग जो है होगी, अब थोड़ा सा कट मार दो ताकि बर्फ़ ना जम जाए जो इसकी कूलिंग कोयल में है, और ये काफ़ी गंदा हो रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके ऊपर कुछ एक डस्ट सी, मिट्टी सी कुछ जमी हुई है, तो अभी ये पेट्रोल से इसकी सफाई होगी और उसके बाद जो है ये वापस से फिट किया जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये साफ़ करके ही प्रॉपरली काम करने लगे, कई बार होता क्या है कई गाड़ियों का ये ख़राब भी हो जाता है। अभी पहले लगा के चेक करेंगे, अगर हमारी गाड़ी में ये सही से साफ़ करके साफ़ से काम करता है तो ठीक है, नहीं तो हमें ये दूसरा मंगाना पड़ेगा।
तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, हमारी गाड़ी की जो है कूलिंग अभी परफेक्ट हो चुकी है, पिछले 10 मिनट से हम टेस्ट कर रहे हैं। तो यूनुस भाई के, पहले तो थैंक यू सो मच यार, आपने अपना करीब एक घंटा खराब करा। अच्छा ये बताओ, आपने जो देखा है पहली बार नेक्सॉन खोली है? हाँ मैंने पहली बार। तो थर्मोस्टेट ढूंढने में कितनी दिक्कत आई है? थर्मोस्टेट ढूंढने में मुझे काफी टाइम लग गया, इसमें काफी वक्त लग गया है, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अच्छा ऐसा क्या हुआ कि भाई इतना टाइम लग गया, एक डेढ़ घंटा आपको लग गया इसमें? दरअसल वो जो थर्मोस्टेट जो है ना, इसका ऐसी जगह दे रखा है वो दिख नहीं पाएगा, जो हॉट एसी के पाइप होते हैं वो उसके पीछे की तरफ है। अच्छा यूनुस भाई थोड़ा सा बता दें, अगर किसी की गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है नेक्सॉन के अंदर की, थोड़ी देर एसी चलाने के बाद एयर फ्लो जो है कम हो जाता है, तो यूनुस भाई आप समझा सकते हो, जैसे आप अभी ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, तो आपको अगर कोई मैकेनिक या टाटा वाले भी कई बार नहीं ढूंढ पाएंगे तो वो कहां पे उसको ढूंढें थर्मोस्टेट को? जो ड्राइवर साइड की सीट होती है उसके साइड में पैनल होता है लगा हुआ ये। अच्छा क्लच के बिल्कुल, क्लच के बराबर में, हाँ लेफ्ट पैर के बराबर में, बिल्कुल हाँ। वो पैनल हटाओ, उसके पास जो है हॉट एसी के पाइपलाइन है। नहीं वो लोहे वाला भी आपने कुछ खोल रखा था, वो भी खोलना पड़ेगा? हाँ एक लोहे की पत्ती है उसको खोलनी पड़ेगी, और उसके पीछे जो है हॉट एसी के पाइप है, उसके हॉट एसी के पाइप के पीछे की तरफ लगा हुआ है। अच्छा और मैं आपको बता दूं, यूनुस भाई ने जो हमारा डैशबोर्ड एक बार तो मतलब लगभग 50% डैशबोर्ड के जो सामान है वो खोल दिए थे, लेकिन जब ढूंढा, कैसे कहते हैं वो जिसको ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिली, तो वो बिल्कुल अपने क्लच के साइड में मिली, और उसको सिर्फ साफ क्या किया आपने उसके साथ ये बता दो। चलो बस उसको, उसकी ज्यादा कुछ नहीं है सफाई, उस पर डस्ट बहुत थी, वो इस वजह से काम नहीं कर पा रहा था उसकी। मतलब ऑयल जैसा कुछ, ग्रीस जैसा चिकना चिकना उस पे था, तो सफाई कैसे की उसकी? उसकी पेट्रोल से सफाई की है, सफाई करने के बाद उसको लगा दिया, वो अपना वर्क बिल्कुल सही कर रहा है अभी। मतलब एसी हमारा जो है नॉर्मली कट मार रहा है अभी, जैसे मैं एक बार फिर से हवा का फ्लो बढ़ाता हूँ तो ये देखो पीछे सरताज भाई के जो जुल्फ है, हमारे सरताज भाई की जुल्फे, तो पीछे हमारी सरताज भाई के जो जुल्फे हैं वो भी हिलने लगे। सरताज भाई कूलिंग बढ़िया है अभी, बहुत अच्छी कूलिंग हो रही है। तो ये थे हमारे साथ यूनुस भाई, सरताज भाई हैं जो डेंटर हैं यहाँ पे मवाना में, इनके पास भी मैं कई बार काम करवाने आ जाता हूँ। मतलब दिल में कई बार फीलिंग आती है कि यूनुस भाई के पास आने में, तो कि ऐसा इलेक्ट्रीशियन मैंने नहीं देखा। कायदे में तो ये काम एसी वालों का था, एक एसी वाले से भी भाई ने पूछा, मेरठ में फोन किया था ना, क्या क्या बताया उन्होंने? उसने कहा कि अभी तक मैंने खोली नहीं है नेक्सॉन, आज तक उन्होंने नहीं खोली है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ये दिक्कत आती है, किसी अच्छे, आप ये सलाह दोगे कि एरे गरे को दिखा दो? नहीं वो इसमें आधे से ज्यादा तो इसके जो पार्ट्स तोड़ ही देगा खोलने के बाद। जैसे तो खोलेगा तो जो अच्छा इलेक्ट्रीशियन हो, नॉलेजेबल हो, मतलब जिसको जानकारी अच्छी खासी हो, उसी को जाके दिखाएं। किसी भी गाड़ी में आपके अगर ये दिक्कत आती है, यूनुस भाई बताएंगे क्या दिक्कत आती है तो क्या करें। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है, जैसे हम अपनी एसी ऑन करते हैं, एसी ऑन करने के बाद जैसे कि एक घंटा हुआ या आधा घंटा, तो बिल्कुल कंटिन्यू एसी चलेगा सही तरीके से, फिर वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा, एसी अपना काम पूरा करेगा लेकिन यहाँ पे एयर आनी बंद हो जाएगी। अच्छा वो जो एयर आनी बंद होती है वो क्या कारण होता है? वो जो थर्मोस्टेट वाल होती है इसकी, हाँ। जो थर्मोस्टेट लगा होता है इसमें एसी में, हाँ। ऑटो कट वाला, हाँ। तो वो अपना वर्क पूरा नहीं कर पाता। थर्मोस्टेट एसी की जो कूलिंग है, कूलिंग कोयल जो है उस पर बर्फ जम जाती है, बर्फ, हाँ बर्फ जमने के कारण वो एयर फ्लो बाहर नहीं आ पाता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारे मान लो इतनी मोटी पाइप है जिसके अंदर से ये सारी ठंडी हवा आती है, जी, 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 जी। उसके अंदर की साइड में बर्फ जम जाती है, तो वो उसका जो रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा फिर, तो वो एयर नहीं आ पाएगा फिर। तो दोस्तों यूनुस भाई ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर। के मन में आता है तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, अरुण कुशल खत्री के नाम से, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे से डीएम भेज सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज में बातचीत कर सकते हैं। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो थोड़ा कर लीजिए, मैं वहाँ बिहाइंड द सीन स्टोरी अक्सर डालता रहता हूँ। आज की जानकारी यूनुस भाई के थ्रू आपको कैसी लगी उसके बारे में आपसे जरूर दो वर्ड में कहना चाहूंगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और यूनुस भाई का एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और सरताज भाई ने भी बड़ी हेल्प करी, सरताज भाई थैंक यू, आपने डैशबोर्ड वगैरह खोलने में यूनुस भैया की हेल्प करी हमारे। और अभी तक अपना प्यारा चैनल जिप ऑफ लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके लाल वाला बटन दबा दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी दबाना ना भूले, ताकि कोई भी ऐसी जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।